नमस्कार दोस्तों, महावीर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। दोस्तों, मैं इस वीडियो में अग्नि बांधने का और अग्नि खोलने का मंत्र बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी कोई तंत्र मंत्र से वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आप अग्नि को बांधना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी मंत्र को समझ में आएगा। दोस्तों, मैं अग्नि बांधने का एक सरल सा मंत्र लेकर आया हूँ। आप इस मंत्र के प्रयोग से अग्नि को बांध भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं। तो ये दो मंत्र मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, एक अग्नि बांधने का और एक अग्नि खोलने का। तो दोस्तों, मंत्र डिक्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से लेके आप यूज कर सकते हैं। किसी को घर में आग लग जाता है अचानक रात बिहार में, आपको बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो इस मंत्र के प्रयोग से आप आग को बांध सकते हैं, तो आपको घर में आग नहीं लगेगा, आपका घर धुआं के रह जाएगा और आगे नहीं बढ़ जाएगा और अग्नि बंध जाएगा। तो आप इस मंत्र के प्रयोग से आप अग्नि को बांध सकते हैं। किसी को घर में लग गया, किसी को पिंज में लग गया, किसी का पुण्य में लग गया, तो इस मंत्र को प्रयोग से आप अग्नि को शांत कर सकते हैं और अग्नि नहीं बढ़ेगा। बहुत सा बड़े बड़े कंपनियों में भी आग लग जाता है, तो इस मंत्र के प्रयोग भी करेंगे तो आपको आग आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं मंत्र बता रहा हूँ, अग्नि बांधने का मंत्र। ओम नमः गुरु को आदेश, जलती बांधू बदलती बांधू, बांधू अगन स्वाये हनुमत का आंख बांधू, रामचंद्र की दुहाई। दोस्तों, ये अग्नि बांधने का मंत्र है। अब अग्नि खोलने का मंत्र बता रहा हूँ। ओम नमः गुरु को आदेश, जलती खोलू बदलती खोलू, खोलू अगन स्वाया हनुमत की आंख खोलू, रामचंद्र की दुहाई। तो दोस्तों, इस मंत्र के प्रयोग कर सकते हैं अग्नि बुझाने में और अग्नि को बांधने। दोस्तों, मैं अग्नि खोलने का और बांधने का मंत्र मैं बता दिया हूँ, आप डिक्शन बॉक्स में से मंत्र लेकर आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी का घर में आग लग गया है तो इस मंत्र को प्रयोग अवश्य करें, और इस मंत्र को किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इस मंत्र को सिद्ध कर ले, तभी इस मंत्र को प्रयोग करें। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। धन्यवाद।